टू कॉस। मीन्स ए प्लस एच को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं ना। इसको इसको एक्सपांड मत करो, फिर क्या होगा कि टर्म सारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ दो टर्म मिलेगा हमें जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस, नाउ ए प्लस एच टू ए प्लस प्लस एच ए, टू ए प्लस एच एच बाय टू बाय टू, साइन ए प्लस एच माइनस ए एच बाय टू एच बाय टू डिवाइडेड बाय एच। नाउ सी, क्या ये फर्स्ट टर्म लिमिट सॉल्व हो जाएगा व्हेन एच टेंस टू जीरो? यस यस हो जाएगा। व्हेन एच टेंस टू जीरो हमें ए मिलेगा, कॉस ए, कॉस ए इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अभी साइन का लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन एच बाय टू, दैट मींस हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? टू चाहिए, एच बाय टू, 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 एडजस्टमेंट करना है। नाउ अभी देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टू, न्यूमरेटर में टू, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल, यस। अभी लिमिट फाइंड आउट कर लो, दिस लिमिट इज वन एंड दिस इज कॉस ए, सो दिस इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री टू फोर बाय फाइव कॉस ए एंड वन। अगर जिसने वन बाय थ्री नहीं लिया है क्वेश्चन में, उसको मिलेगा फाइव इंटू ए रेज टू फोर बाय फाइव कॉस ए। कहाँ पे? यस, हाँ, सी यहाँ पे एच था मेरे पास, यस, ठीक है, ओके। सी तुम लोग ना ये नेक्स्ट स्टेप लिखना एक और, ओके, मैंने नोट्स में लिखा है, मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें लिखा हुआ होगा। यहाँ पे मैं लिखते टाइम एक ही स्टेप एडजस्टमेंट कर दे रही हूँ, बिकॉज ये लेंथी हो जाता है ना, फिर दिखता नहीं है पूरा। यस मैम, यस, ठीक है। सो फिर मैंने एक ही में लिख दिया है। सी हमारे पास ये एच था, राइट, फॉरगेट अबाउट दिस। अभी मुझे यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मींस ये एंगल पूरा यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ एच है, तो इसलिए मैंने टू का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये वाला, हाँ, फॉर्मूला yes. देखो, कॉस ए प्लस बी बाय टू, यहाँ पे ए है ए प्लस एच, स्मॉल ए प्लस एच, एंड बी है ए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे टू ए प्लस एच बाय टू, और जब एच हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टू ए बाय टू आएगा और टू टू कैंसिल हो जाएगा। यस, ओके, समझ गया ना सबको? वैसे yes. ब्लर हो जा रहा है अगर मैं ज्यादा जूम आउट करूँ तो। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ, वो जो साइन एक्स माइनस साइन ए है उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना? साइन एक्स माइनस साइन ए, यस कर सकते हो, ठीक। बट देखो, अगर तुमने यहाँ पे ही डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नो? यस मैम, यस, ओके। अगर तुमने यहीं पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, बिकॉज एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमें दो टर्म मिला उसमें से कॉस तुम्हारा इजिली सॉल्व हो जाएगा, बट साइन तुम कैसे सॉल्व करोगे? सो दिस इज बिकॉज ये एच टेंस टू जीरो है, इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? यस मैम, हाँ, तो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सो हो गया ये सबका? यस मैम। नाउ फोर्थ वन, सो फोर्थ वन सब लोग कैलकुलेट करेंगे। आई टेल यू कैसे करना है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस सिक्स एक्स। सी इधर भी ये एलिमेंट सेम रिपीट हो रहा है,
राइट. सो पुट करो एक्स इक्वल टू पाई बाय सिक्स प्लस एच. दिस इंप्लाइज एच इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय सिक्स एंड एज एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स एच टेंस टू जीरो. इतना हो गया ना. अभी सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स. कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय सिक्स प्लस एच माइनस रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय. अभी ये वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है ना, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. सो पाई माइनस सिक्स एक्स इज पाई बाय सिक्स प्लस एच. ओके नाउ सी अभी क्या करना है, ये कॉस एंड साइन वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलेगा बिकॉज पाई बाय सिक्स मतलब कि 30 डिग्री. ठीक है, हम 90 का मल्टीपल होगा तब हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं. तो इस केस में अब तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी. ठीक है, सो सिंस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये फॉर्मूला अप्लाई करो एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, अभी ये दिखने में सिर्फ लेंथी लग रहा है, जब तुम ये फॉर्मूला दोनों अप्लाई करोगे तो यहां से टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो फॉर्मूला यूज करते टाइम बिकॉज यहाँ पे बाहर माइनस साइन है. जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा. ओके सो इतना सॉल्व करो पहले. मैम फॉर्मूला दिखाओ. मिला क्या? जो cos pi by 6, sin pi by 6 ये होंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. cos pi by 6 root 3 by 2, sin pi by 6 1 by 2.
मिस माइनस वन अपॉन थ्री है, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री माइनस आएगा क्या, वन बाय थ्री आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, हाँ वन बाय थ्री है, चेक करो माइनस कहीं, माइनस तुम्हारा कैंसल होगा, वन बाय थ्री आएगा आंसर, हाँ बिकॉज डिनोमिनेटर में माइनस सिक्स एच आएगा, ठीक है, एंड न्यूमरेटर भी जब तुम सॉल्व करोगे तो माइनस टू साइन एच मिलेगा, यस वन अपॉन थ्री आया, सबको आया, यस यस यस, ओके मिस वेट फॉर 5 मिनट्स, ओके श्योर, लेट मी नो अगर कंप्लीट हो गया तो, ठीक है, एंड बाकी जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5th, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन साइन पाई बाय x, सेम सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सिंप्लीफाई, तन्मयी आर यू देयर, तन्मयी आर यू देयर, हाँ हाँ कहाँ तक किया मैम, कौन सा वाला, सी आर आस्किंग कुछ, 4th वन, यस सब्स्टिट्यूशन मैम मैं नहीं थी एक्सप्लेनेशन के बाद, कल के लेक्चर में, हाँ ओके, तो एक मिनट फिर समझ आया है कि नहीं हम क्या कर रहे हैं अभी, मैम इतना नहीं, मैम कल का पीडीएफ भी नहीं आया ना, या एक्चुअली ओके, सो सी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छा जो लोग कल नहीं थे लेक्चर में अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज फिर आगे का सॉल्व करेंगे तो वो भी फिर मिस हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, सो एंड बाकी लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि सी सबसे पहले तो ये देखो x टेंस टू यहाँ पे पाई बाय 6 है राइट, हमने दो फॉर्मूला देखा था इसके पहले दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x एंड सेम फॉर 10 करेक्ट, हम ये दो फॉर्मूला के फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करते थे एंड देन इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे राइट, इसके पहले के एक्सरसाइज तक 7.4 तक, नाउ सब्स्टिट्यूशन कब करना है, सी यहाँ पे x tends to 0 है इसीलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली हमें x tends to pi by 6 दी है राइट, सो हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो उस टाइम पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है pi by 6 plus h, ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट करो, h इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 को इधर लेके जाओ LHS में, ठीक, नाउ अब देखो x टेंस टू पाई बाय 6 दिया है तुम्हें, x जब पाई बाय 6 के इधर जाएगा तो ये h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ ना, बिकॉज पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 जीरो आएगा, सो एज x टेंस टू पाई बाय 6 h टेंस टू 0, इतना हो गया, नाउ अभी सब कुछ h के टर्म में कन्वर्ट कर लो, x को सब्स्टिट्यूट करो एंड लिमिट भी चेंज करो, सिंस as x tends to pi by 6 h tends to 0 ये लिमिट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे, सो लिमिट h tends to 0, अब जहां जहां x है वो सब रिप्लेस करो pi by 6 plus h से, ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके आगे बताओ, हाँ हाँ नाउ अभी क्या इसके आगे बताऊं नहीं बताऊं, बताओ ना मैम, ओके ऐसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ हाँ सो अब क्या करना है, सब कुछ h में कन्वर्ट हो गया, अब जैसे तुम 7.4 में सिंप्लीफिकेशन करते थे पहले
वैसे ही सेम सिंप्लीफिकेशन आगे करते जाना, समझा अभी सबको? यस। तो हाँ, अभी इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, 2/π आया, 2/π 4/5 का, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, 2/π आएगा। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस, देन इसके बाद आगे का करते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, cos pi by 6 इनटू cos h प्लस sin pi by 6 इनटू sin h, ये हो गया cos pi by 6 प्लस h के लिए, माइनस रूट 3, नाउ अभी ब्रैकेट यूज करो सेकेंड टर्म एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सो क्या क्या आ जाएगा, sin pi by 6 cos h प्लस cos pi by 6 sin h, राइट? अभी जहां जहां sin pi by 6 cos pi by 6 है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, pi by 6 means 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2, राइट? सो अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पाई माइनस 6 से ब्रैकेट ओपन करो, 6π/6π माइनस प्लस माइनस 6h, पाई पाई कैंसिल, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos pi by 6 √3/2 cos h प्लस sin pi by 6 1/2 sin h माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करो अंदर, sin pi by 6 इज 1/2 तो हो जाएगा √3/2 cos h प्लस माइनस प्लस माइनस √3 cos pi by 6 इज √3/2 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है? यही है ना, कुछ मिस्टेक किया है क्या? नो नो, दिस इज फाइन। ओके, नाउ सी अभी ये कैंसिल हो गया एंड इसके डिनोमिनेटर में था माइनस 6h। ओके ओके, अभी ये देखो 1/2h 3/2h, सो 1/2 माइनस 3/2 कितना होता है, फॉर्मूला ये माइनस आएगा, राइट? बिकॉज कॉस ए प्लस बी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, या करेक्ट दिस एंड देन यहाँ पे माइनस साइन एंड मींस उधर प्लस आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, नो वेर, अभी ठीक है ना, सी कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट? सो कॉस पाई बाय सिक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स कॉस एच माइनस साइन पाई बाय सिक्स साइन एच, तो ये वैल्यू आएगा माइनस हाफ माइनस 3/2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू माइनस 2, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 sin h अपॉन माइनस 6h, माइनस माइनस कैंसिल, 2/6 इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स 1/3, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, ये हो गया 1। ओके मिस, माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 4/2 हो जाएगा ना, मैंने हाँ वही किया ना, मैंने डायरेक्टली लिखा है माइनस 2, ठीक है? सी माइनस हाफ माइनस 3/2 क्या आएगा, माइनस हाफ ये माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ओके सो अभी फिफ्थ वन, जिसने अभी नहीं किया है सॉल्व उनके लिए फिफ्थ वन इज होमवर्क,
पेंसिल से लिख लो, मैं हिंट बताती हूँ कैसे करना है. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय x. सो दिस इज इक्वल टू, फॉर कैलकुलेशन सिंपल हो इसलिए x टेंस टू 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 1 माइनस x, 1 प्लस x. 1 प्लस x. ठीक है, साइन पाई प्लस x. अभी सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, राइट. यहां से मिलेगा h का वैल्यू x माइनस 1. सो एज x टेंस टू 1, h टेंस टू 0. अब सारे वैल्यू कन्वर्ट कर लो. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस x इज 1 प्लस h, और हम माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस h. ठीक है, 1 प्लस x इज 1 प्लस h डिवाइडेड बाय साइन पाई. अभी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 1 प्लस h. नाउ दिस इज इक्वल टू 1, 1 कैंसिल हो गया. हम h की जगह x माइनस 1 भी पुट कर सकते, h की जगह. मिस कैसे आया वो स्टेप एक बार फिर से बताओ. व्हिच वन, दिस वन? यस, पूरा स्टेप. ओके, सी सब्स्टिट्यूशन के बाद जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम x को रिप्लेस करते हैं ना h वैल्यू से. यस, सो यहाँ पे जितने भी जगह पे x x है, सी हियर, सबको रिप्लेस करो 1 प्लस h से, एंड लिमिट चेंज होगा h टेंस टू 0, राइट. सो 1 माइनस x, x को रिप्लेस करो 1 प्लस h, क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस h, यही आएगा. यस, ब्रैकेट ओपन करो. नाउ 1 प्लस x क्या आएगा, यही मिलेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर, x रिप्लेस करो 1 प्लस h, यही किया. अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना. लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस h, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस h. 2 प्लस डिवाइडेड बाय साइन, ब्रैकेट ओपन करो, पाई प्लस पाई h. अभी मुझे ये वैल्यू बताओ, पाई मीन्स 180, साइन पाई h. यस, सो साइन पाई एच, एंड इसका साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. प्लस प्लस. पक्का? यस. पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? नेगेटिव आएगा ना मींस नेगेटिव. यस, नेगेटिव आएगा बिकॉज़ पाई प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? Yes. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन नेगेटिव, देन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. समझ गए? तो आगे इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है? यस. सो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम सम्स करेंगे. लेट मी चेक कौन सा तुम लोग कर सकते हो, वो हम होमवर्क करेंगे. एंड देन सो नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क सेकंड का, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 1 इज होमवर्क. थर्ड इज होमवर्क. एंड देन फिफ्थ इज होमवर्क. सो इन शॉर्ट हम 2 सम करेंगे इसके. सो कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई करना ये 3 सम, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? Yes. Yeah. So, second sum.
लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर रूट टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस पाई स्क्वायर. मेथड तुम्हें सेम अप्लाई करना है, जस्ट अभी क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी आएगा इसमें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में कैलकुलेशन छोटे थे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, तो ध्यान से करना. सो स्टार्ट करो, पहले तो स्टार्टिंग के स्टेप्स करो. पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस एच. ओके, सो सबको ये एक्सप्रेशन मिला, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना बाकी के स्टेप्स. नाउ अभी सब कुछ रिप्लेस करो, h टेंस टू जीरो एंड x को रिप्लेस करो पाई बाय फोर प्लस एच. तो ये टर्म्स मिले सबको. यस यस मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो cos a प्लस बी, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो sin a प्लस बी एंड ये ब्रैकेट सॉल्व करो. ठीक है, सो जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ब्रैकेट यूज करो, बिकॉज हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, सो साइन चेंज हो जाएगा, सो बी केयरफुल. ये टर्म मिला सबको, चेक करो. रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू कॉस एच प्लस वन अपॉन रूट टू साइन एच माइनस वन अपॉन रूट टू कॉस एच माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एच एंड डिनोमिनेटर में फोर एच होल स्क्वायर. Yes or no? Stuck somewhere?
आया मैम, आया आया बिकॉज कॉस पाई बाय फोर एंड साइन पाई बाय फोर दोनों वन अपॉन रूट टू है, तो मैंने दोनों के वैल्यू ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, एंड ब्रैकेट ओपन करो तो साइन चेंज हो जाएगा. देन डिनोमिनेटर में जब तुम ये सिंपलीफाई करोगे, जब फोर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय फोर का फोर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा पाई प्लस फोर एच माइनस पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ फोर एच बचेगा. ओके तो इतना हो गया. नाउ इसके बाद यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू नाउ माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन बाय रूट टू क्या आएगा, माइनस टू बाय रूट टू. सो दिस इज इक्वल टू वन बाय सिक्सटीन रूट टू आया. हाँ हाँ करेक्ट. सो रूट टू माइनस टू अपॉन रूट टू कॉस एच डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एच स्क्वायर. ठीक है, मैंने इसको ऐड किया माइनस माइनस तो टू अपॉन रूट टू. अभी क्या करना है, सी टू अपॉन रूट टू मीन्स व्हाट, रूट टू बिकॉज टू इट टू मीन्स रूट टू इंटू रूट टू डिवाइड बाय रूट टू, तो ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स टू अपॉन रूट टू इज रूट टू. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट टू माइनस रूट टू कॉस एच डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एच स्क्वायर. अब रूट टू कॉमन निकाल लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट टू वन माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एच स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट टू इंटू वन माइनस कॉस एच कितना होता है, टू साइन स्क्वायर एच बाय टू डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एच स्क्वायर. सो ये सब कॉन्स्टेंट है, टू रूट टू एंड दिस सिक्सटीन टेक आउटसाइड, अदरवाइज नाउ दिस दिस इज इक्वल टू टू रूट टू डिवाइडेड बाय सिक्सटीन लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एच बाय टू डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर. ना फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर बाय फोर चाहिए, राइट? सो वन बाय फोर का एडजस्टमेंट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. This limit is 1, 1 by 4 is constant, take outside. So this is equal to root 2 by 16 into 1 by 4 into 1. Means root 2. So, yeah. Which, yeah, mistake hua kya? 1 by 16 root 2. 1 by 16 root 2. This is fine. Okay. This is fine. Yeah. See, abhi ye 2 2 cancel karo. So this is equal to 2 upon 16 into 2. अगर कैसे रखा तो भी चाहिए. और सिंपलीफाई करना है तो ये 2 is root 2 into root 2, तो ये एक root 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 upon 16 root 2 आएगा. तो आइदर तुम ये आंसर लिखो और ये आंसर लिखो, दोनों ठीक है. ओके ओके सो चेक करो, अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछो. That's it? Done? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, किसी का तो माइक ऑन है. अभी एक लास्ट. Yes, हो गया बंद. So, next one. Fourth one. Limit x tends to a sine root x minus sine root a divided by x minus a. So, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. I'll tell you. फर्स्ट वन इज जो हम यूजुअल मेथड करते हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी लगेगा बट आंसर आएगा. एंड सेकेंड, सो सेकेंड मेथड आई विल टेल यू, फर्स्ट वन जो हम यूजुअली अभी कर रहे हैं वो तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है? अगर कैलकुलेशन नहीं हुआ सॉल्व तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वापस, फाइन? सो
मेथड वन फॉर यू, ट्राई दिस. सेम क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली एंड देन उसके बाद फर्दर फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ. सेकेंड मेथड इज क्या करना है, पुट सबसे पहले तो कंसिडर दिस रूट एक्स एज वाई एंड रूट ए एज सम ए बी सी, ए मतलब बी सी डी वॉट एवर, ठीक है. सो रूट एक्स को वाई ले लिया, रूट ए को बी ले लिया वाई, बिकॉज सी हमारा जो अंदर का जो एंगल है ये रूट के फॉर्म में है, अभी तक हमने रूट वाले सम नहीं किए हैं सॉल्व, राइट. सो इसको सिंपल बनाने के लिए रूट एक्स को कंसिडर करो वाई, रूट ए को कंसिडर कर लो बी, ठीक है. मैम हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं ना, वाई और बी की जगह. हाँ हाँ हाँ, एनीथिंग एनीथिंग, मैंने वाई एंड बी लिया है, तुम लोग कुछ भी लो, तुमको जो चाहिए, बस एक्स और ए को छोड़ के. ओके ओके यस ओके. नाउ अभी तुमने अगर ये चेंजेस किए हैं सो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तुम एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट. सो अभी लिमिट भी चेंज करो, as x tends to a y tends to 0 b. 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 b b b why, because y is equal to root x, jab x a a ke approximate ho jayega to y equal to root a ho jayega, right. So y tends to root a and root a humne b consider kiya to y tends to b, limit change ho gaya. Ab pehle isko substitute karo, so this is equal to limit y tends to b sin y minus sin a divided by, now okay, ab mujhe batao agar root x is y then x is equal to y square, y square square karo on both side to ye kya ho jayega x equal to y square, similarly squaring on both side a equal to b square. So, अभी x और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y square minus b square, ठीक है. Now, अभी चेक करो क्या ये हमारा फॉर्म में आ गया जो अब तक हम लोग ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, क्या ये सेम एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें? Yes, 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 yes. So, अब तुम सब्स्टिट्यूट करो y equal to b plus h. So, this implies h equal to y minus b. Now tell me if y tends to b, then if y tends to b, then h tends to zero. Zero. अभी convert करो सब कुछ h में. So this is equal to limit h tends to zero sine y is b plus h minus sine a divided by y square. अभी क्या हो जाएगा, एक इसको तुम थोड़ा simplify कर लो तो तुम्हें a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. साइन y माइनस साइन a, डिनोमिनेटर को तुम लिख लो y plus b, y minus b. Is this fine? Yes. Then substitute करो. अब जब तुम y equal to b plus h substitute करोगे तो ये सेकेंड वाले टर्म में कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ करो y equal to b plus h, so plus h plus b. Second, b plus h minus b. Okay, so ये b b cancel हो गया, यहाँ पे आएगा 2b plus h. So this is equal to limit h tends to 0 and numerator में formula apply करो sin a minus sin b. तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 into cos b plus h plus a by 2. एक मिनट, ये ए क्या किया मैंने, बी आएगा साइन बी रूट मैम, साइन बी आएगा, साइन ए आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो बी, यस. सो ये आ जाएगा बी प्लस एच प्लस बी बाय टू साइन बी प्लस एच माइनस बी बाय टू डिवाइडेड बाय टू बी प्लस एच इनटू एच. इधर तक क्लियर है सबको? नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस, ये क्या हो जाएगा, टू बी प्लस एच बाय टू
एंड सेकंड साइन बी बी कैंसिल हो गया एच बाय टू डिवाइडेड बाय टू बी प्लस एच इन टू एच. नाउ अब ये देखो क्या ये दोनों लिमिट सॉल्व हो जाएंगे व्हेन एच टेंड्स टू जीरो. अगर तुम्हें ऐसे समझ रहे Your voice is breaking me. Yes, ma'am. Okay. Yeah, actually, the problem is my battery is about to end. 2% hai gaya. So, ek kaam karte hain, yahi pe stop karte hain isko. Next, main mere ko answer mila. Theek hai? मिस कॉस रूटे अपन टू रूटे आया कॉस रूटे अपन टू आएगा बट ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर